नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। आज जिस किसी का भी जन्मदिन है उनको जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं। आपका दिन मंगलमय हो, आप स्वस्थ रहें, खुश रहें, लंबी उम्र हो और आपके परिवार में खुशहाली बनी रहे। आज जिस किसी की भी मैरिज एनिवर्सरी है उनकी भी जोड़ी सदा बनी रहे। गौरी शंकर, लक्ष्मी नारायण और सीताराम की तरह आपकी जोड़ी सदा बनी रहे। आप भी स्वस्थ रहें, खुश रहें, लंबी उम्र हो और आपके परिवार में खुशहाली बनी रहे। आइए इसी मंगल कामना के साथ शुरू करते हैं। पंचांग में मुख्य रूप से 5 विशेषताएं शामिल होती हैं। तिथि वार नक्षत्र योग एवं करण। विक्रम संवत 2080 23 मई 2023 वार मंगलवार, माह ज्येष्ठ मास, पक्ष शुक्ल पक्ष। तिथि है चतुर्थी तिथि, 12:57 प्रातः 24 मई तक। उसके बाद पंचमी तिथि शुरू होगी। नक्षत्र है आर्द्रा, 12:39 दोपहर तक। उसके बाद पुनर्वसु नक्षत्र शुरू होगा। योग है शूल, 4:47 शाम तक। उसके बाद गंड योग शुरू होगा। करण है वणिज, 12:04 दोपहर तक। उसके बाद भद्रा वृष्टि लगेगी, 12:57 प्रातः 24 मई तक। और उसके बाद भवकरण शुरू हो जाएगा। व्रत दिन त्यौहार की बात कर लें तो आज विनायक चतुर्थी है। चंद्र राशि है मिथुन, सूर्य राशि है वृषभ और दशाशूल है उत्तर, यानी उत्तर की यात्रा आज के दिन नहीं करनी चाहिए। सूर्योदय एवं चंद्रोदय की बात करते हैं। सूर्योदय है 5:27 प्रातः, सूर्यास्त है 7:09 शाम को। चंद्रोदय है 8:06 प्रातः और चंद्रास्त है 10:48 रात को। शुभ समय की बात करते हैं। ब्रह्म मुहूर्त है 4:04 प्रातः से 4:45 तक। प्रातः संध्या है 4:25 प्रातः से 5:27 तक। अभिजीत मुहूर्त है 11:51 प्रातः से 12:45 तक। विजय मुहूर्त है 2:35 दोपहर से 3:30। गोधूलि मुहूर्त है 7:08 शाम से 7:29। सायं संध्या है 7:09 शाम से 8:11। रवि योग है 5:27 प्रातः से 12:39 दोपहर तक। निश्चित मुहूर्त है 11:57 रात से 12:38 प्रातः 24 मई तक। अब अशुभ समय की बात करते हैं। राहु काल है 3:44 दोपहर से 5:27 तक। राहु काल एक ऐसी अवधि है जिसमें कोई भी नया व शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इस समय में किया गया कार्य कभी सफल नहीं होता। यमगंड है 8:52 प्रातः से 10:35 प्रातः तक। और भद्रा है 12:04 दोपहर से 12:57 प्रातः 24 मई तक। अब चौघड़िया की बात करते हैं। दिन का चौघड़िया लाभ है 8:52 प्रातः से 10:35 तक। इसमें नया व्यवसाय, शिक्षा जैसे कार्य प्रारंभ कर सकते हैं। चर चौघड़िया है 8:52 प्रातः से 10:35 प्रातः तक। इसमें यात्रा, सौंदर्य, नृत्य और सांस्कृतिक जैसे कार्य कर सकते हैं। अमृत चौघड़िया है 12:18 दोपहर से 2:01 तक। इसमें सभी प्रकार के कार्य और विशेष रूप से दूध संबंधी कार्य कर सकते हैं। शुभ में राहु काल लगा हुआ है जो कि शुभ नहीं होता। वैसे शुभ में आप विवाह, धार्मिक और शिक्षा जैसे कार्य कर सकते हैं। अब रात के चौघड़िया की बात करते हैं। शुभ है 11:01 रात से 12:18 प्रातः 24 मई तक। अमृत है 12:18 प्रातः से 1:35 प्रातः 24 मई तक। चर है 1:35 प्रातः से 2:52 प्रातः 24 मई तक। लाभ में कालरात्रि लगी है जो कि शुभ नहीं होता। तो दोस्तों, ये मैंने आपको 23 मई के पंचांग के बारे में बताया। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो कृपया से लाइक व शेयर ज़रूर कीजिए। साथ ही में अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया से सब्सक्राइब भी कर लें ताकि जो भी नई वीडियोज़ हम लोग अपलोड करें वो तुरंत आप तक पहुँच जाएँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव, जय माता दी।